यूएसबी किट के साथ ये जेनर और ब्लूटूथ किट के साथ ये जो वायर है ये लगाना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों आज हमारे पास देखिए एक एम्पलीफायर आया है पुराना, नंबर है EK6005 एनकोर का। इसका प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल ओके है, लेकिन इसके साथ देखिए ब्लूटूथ नहीं है। पहले जो यूएसबी आता था उसमें ब्लूटूथ नहीं मिलता था, तो वही एम्पलीफायर हमारे पास आया है। और ये जो दंगल आप देख रहे हैं ये लगा लगा के परेशान हो गया है, ये दंगल बहुत जल्दी खराब हो जाता है। फटाफट से खोल लेते हैं और इसको हम ब्लूटूथ लगाएंगे। और इसके अंदर देखिए क्या है, ट्रांसफार्मर है, एक बोर्ड है और एक यूएसबी किट है। तो इस यूएसबी किट को नहीं फेंकना है और इसको ही हम ब्लूटूथ लगाएंगे। हम चाहते तो यहाँ पर एक कंप्लीट ब्लूटूथ किट लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम नहीं लगाएंगे, इसको ही हमने ब्लूटूथ किट में बदल देंगे। ये देखिए यहाँ पर एक पहले ये दो स्क्रू है, इसको हटा देंगे। इसको हटाने के बाद इसका जो बोर्ड है ये एकदम बाहर निकल जाएगा। और देखिए यहाँ पर देखिए ये जो सॉकेट था, यहाँ पर सॉकेट नहीं है, ये उखड़ गया है। तो यहाँ से हम कनेक्शन करेंगे। किसी किसी बोर्ड में ऑक्स का कनेक्शन रहता था। अगर आपको ऑक्स कनेक्शन नहीं मिलता है तो आप इस सॉकेट के साथ ही कनेक्शन कर सकते हैं। अभी हम एक ब्लूटूथ किट लेंगे और यहाँ पर देखिए सबसे पहले नेगेटिव का कनेक्शन, उसके बाद पॉजिटिव 5 वोल्ट, लेफ्ट ऑडियो चैनल, उसके बाद ग्राउंड और अभी लगाएंगे राइट ऑडियो चैनल को लगा देंगे। यहाँ पर 5 वोल्ट हमने जेनर ले लिया है यूएसबी किट और ब्लूटूथ किट दोनों को एक साथ प्रोटेक्शन देने के लिए। और इस जेनर को ऐसे करके मोड़ेंगे, उसके बाद देखिए थोड़ा सा मोड़ के पॉजिटिव के साथ नेगेटिव जेनर का जो नेगेटिव पॉइंट है, काला वाला पॉइंट है, उसको लगाना है। इसको थोड़ा मोड़ लेंगे और यहाँ पर देखिए ऐसे करके पॉजिटिव के साथ ब्लैक वाला पार्ट को सोल्डिंग कर देंगे और यहाँ पर भी एक सोल्डिंग कर देंगे। टांगों को आपको काटना नहीं है। यहाँ पर देखिए ये जो वायर हमने लगा दिया था इसको हटा देंगे, नेगेटिव पॉजिटिव वाला जो वायर है इसको हटा देंगे और एकदम डायरेक्ट इसको डायोड का वायर है इसके साथ ही इसको सोल्डिंग कर देना है। इससे क्या होगा, आपका जो ब्लूटूथ किट है इधर उधर हिलेगा नहीं और एक जगह फिक्स हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हमने दोनों वायर को यहाँ पर लगाया, दोनों वायर को अच्छे से यहाँ पर लगा के यहाँ पर सोल्डिंग कर देना है। आपको आप अच्छे से देख लीजिए कैसे हम इसको सोल्डिंग करते हैं, ऐसे करके आपको सोल्डिंग कर देना है और एक्स्ट्रा टांग को कट कर देंगे कटर की मदद से। ये देखिए हमारा कनेक्शन हो गया। अभी जो 3 तार है इसका कनेक्शन देख लीजिए, बहुत सिंपल कनेक्शन है, कोई भी कर सकता है। सबसे पहले आप चेक करके देख लीजिए ये जो पॉइंट है, यहाँ से देखिए ये शॉर्ट है, लेफ्ट चैनल शॉर्ट है और यहाँ से देखिए बीच वाला पॉइंट जो ग्राउंड है ये भी शॉर्ट है यहाँ के साथ, और ये जो पॉइंट है ये राइट वाला ऑडियो है ये भी शॉर्ट है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर कनेक्शन अगर नहीं रहेगा तो आप इस पॉइंट से भी कनेक्शन कर सकते हैं। हम यहाँ पर लगा कर आपको दिखाएंगे। ये देखिए सबसे पहले ग्राउंड का कनेक्शन हो गया, उसके बाद एक ऑडियो लगाएंगे राइट साइड में, ये देखिए सोल्डिंग कर दिया है, और दूसरा जो लेफ्ट ऑडियो को यहाँ पर कनेक्शन कर देना है। ये देखिए हमारा कनेक्शन एकदम कंप्लीट हो गया। अभी इसको अच्छे से देख लीजिए कैसे हम इसको कनेक्शन किया है। इसको फटाफट से पैक कर लेते हैं। ये देखिए ऐसे करके आपको जैसा खोले थे उसके स्क्रू लगा कर इसको टाइट कर देना है। आप अच्छे से देख लीजिए इसका जो काम है बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है। किसी भी यूएसबी किट आपका आएगा तो आप उसको ऐसे करके ब्लूटूथ किट लगा सकते हैं। ये जो हमने वायर लगा रहा है ना ब्लूटूथ किट के साथ, ये लगाना बहुत ज़रूरी है। ये अगर लगा देंगे तो आपका ब्लूटूथ का रेंज जो है 300 फुट ज़्यादा हो जाएगा। ये थोड़ा बड़ा कर देना है आपको, इसका जो वायर बार बड़ा कर देने से ब्लूटूथ का जो रेंज है ज़्यादा हो जाएगा। अब बहुत ज़्यादा दूर से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको फटाफट से पैक कर लेते हैं। जब तक इसको पैक करते हैं आप जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपके लिए ऐसी वीडियो हम इस चैनल में लाते रहते हैं। स्पीकर को लगाएंगे और इसको ऑन करेंगे। ये AUX मोड में ही आपका ब्लूटूथ आएगा। पहले FM में चला कर दिखाते हैं। ये देखिए FM हमारा चालू हो गया।
दोस्तों AES मोड के साथ ब्लूटूथ आने का कारण ये है कि हम जो ब्लूटूथ बोर्ड लगाया है वो AES के साथ ही कनेक्शन किया है। ये देखिए AES लगाने के साथ साथ ब्लूटूथ मोड में चला जाता है लेकिन ब्लूटूथ ऑन नहीं बोलता है। इसका कारण ये है कि ब्लूटूथ किट में सबसे पहले लाइन चला जाता है तो ये AES मोड आने से पहले ही ये ब्लूटूथ ऑन बोल देता है। अभी इसको AES मोड में ला के मोबाइल के साथ कनेक्शन करके आपको दिखाएंगे। चलिए पहले मोबाइल ले लेते हैं और इसका देखिए 302BT इसका बोर्ड है, इसको कनेक्शन करेंगे। ये देखिए अच्छे से बजने लग गया है। ये हमारा ब्लूटूथ किट कंप्लीट हो गया। आप ऐसे करके किसी भी एम्पलीफायर को ब्लूटूथ में बदल सकते हैं। फिर मिलते हैं और एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए अगर दीजिए।